बोबो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बोबो मेरे साथ ऐसा करेगी। थैंक यू डुबलो, अगर आज तुम नहीं होते तो आज मैं बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में पड़ती। अरे इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है बोबो, तुम मेरी एक्स जेफ हो जो भी हो, लेकिन तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड थी, इसलिए तुम्हें मुश्किल सिचुएशन से सेव करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। जो भी है, थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके डुबलो, अब मैं चलती हूँ। हाँ ओके। डूडू, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? डूडू चुप हो जा, तू मुझसे कोई भी बात नहीं करेगी और मैं भी तुझसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तू जैसी लड़की की शक्ल में नहीं देखना चाहता हूँ। लेकिन डूडू मैंने क्या किया है, तुम मुझे बोलो तो कुछ। अच्छा तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, ठीक है मैं ही बोलता हूँ। तू डुबलू तेरी एक्स बीएफ के साथ शॉपिंग मॉल में क्या कर रही थी, बता मुझे, बता। तो तुम कैसे देखे डुडू? क्यों रे, तू क्या सोची थी कि तू मुझे धोखा देके ये सब कर रहेगी और मैं कुछ भी नहीं जान पाऊंगा? मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तू मुझे चीट कर रही है, निकल जा मेरे सामने से। अरे डूडू तुम मुझे बताओ तो, तुम शॉपिंग मॉल कैसे पहुंचे? तुम अपना फोन घर पर भूल चुकी थी और मैं तेरी फोन तुझे वापस करने गई थी और सोचा था कि तेरे साथ शॉपिंग करके ही घर लौटूंगा, लेकिन तू तो डुबलू के साथ चक्कर चला रही और तेरी ये चक्कर देख के ही मैं घर चला आया हूँ। अच्छा, अरे डुडू तुम मुझे गलत समझ रहे हो। डुबलू अगर आज नहीं होता तो आज मैं बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में पड़ती। तू ये सब झूठ किसी दूसरों को जाके बता, मैं तेरी बातों में ट्रस्ट नहीं करूंगा, समझ गई है तू? मैं तेरी बातों में ट्रस्ट नहीं करूंगा। डूडू मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरे बात पहले सुन लो। मैं जब शॉपिंग मॉल में गई थी तब कुछ लड़के ने मुझे छेड़ रहे थे और मुझे छेड़ते वक्त डुबलू ने देखा और डुबलू ने मेरे बीएफ होने का नाटक किया और इस नाटक के वजह से वो लड़के वहां से चले गए। आज अगर डुबलू नहीं होता तो मैं बहुत ही मुश्किल में पड़ता डुडू। अच्छा तो तू ये बातें कह रही है, लेकिन तेरे बात सच है या झूठ, मैं कैसे तुझ पर ट्रस्ट करूंगा? डूडू मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ कि यही हुआ था और डुबलू ने मेरे बीए होने का नाटक करके मुझे सेव किया है। डुबलू से मेरे कोई भी रिलेशन नहीं है, तुम प्लीज ट्रस्ट करो मेरे ऊपर डुडू। मैं तुमसे एक भी झूठ बातें नहीं बता रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम मेरे कसम खा के कभी भी झूठ नहीं बोल सकती हो। ठीक है बूबू, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा है। नहीं डूडू, तुम्हारे जगह किसी और हस्बैंड भी था तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। तुमने मुझे देखा ही ऐसी सिचुएशन में कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खा के कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, ये तो तुम जानते हो ना डूडू।
मैं सच में डुबलू के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख रही हूँ। मुझे उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और डुबलू की शादी भी हो चुका है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ डुडू, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे कभी भी गलत मत समझना डुडू। ठीक है, अब जो भी हुआ है सब भूल जाओ और चलो हम दोनों रोमांस करते हैं बुबू। लव यू बुबू, लव यू सो मच माय डूडू।